साल 2016 दबंग सलमान खान और उनके फैंस के लिए लाया था एक बहुत बड़ी खुशखबरी का साल, जब मुंबई हाई कोर्ट ने सलमान को 2002 हिट एंड रन केस से कर दिया था बाइज्जत बरी। और सलमान खान के लिए 2017 की शुरुआत भी हुई धमाकेदार, क्योंकि उन्हें मिली एक बार फिर बहुत बड़ी राहत इन द 1998 ब्लैक बक चिंकारा केस। 18 साल पहले ब्लैक बक आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट ने कर दिया है सलमान को बरी। सलमान ने ट्विटर पर अपने फैंस को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा भी किया। थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट एंड गुड विशेस। द केस इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ डियर अलेजेडली व्हेन सलमान एंड हिज को-स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम एंड तब्बू वर शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द फॉरेस्ट नियर जोधपुर इन 1998। ओवर द इयर्स द एक्टर हैज फेस्ड मल्टीपल केसेस फॉर अलेजेडली किलिंग टू चिंकारास एंड टू ब्लैक बक्स ऑन थ्री हंट्स। साल 2007 में सलमान जोधपुर के जेल में एक हफ्ते की सजा काट चुके हैं बिफोर बीइंग ग्रांटेड बेल। सलमान अराइव्ड इन द सिटी विद हिज सिस्टर अलवीरा ऑन ट्यूसडे डिसम्बर 17th। सलमान खान्स लॉयर हैड आर्ग्यूड देयर वाज नो एविडेंस दैट ही वाज कैरिंग फायरआर्म्स एंड दैट ही वाज ओनली कैरिंग एयर गन्स। द एक्टर हैड आल्सो सेड ही वाज फ्रेम्ड। सलमान हैड प्लीडेड नॉट गिल्टी टू चार्जेस ऑफ वायलेटिंग द लॉ बाय कीपिंग अनलाइसेंस्ड वेपन्स एंड यूजिंग देम। द कोर्ट लेट हिम ऑफ गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। चलिए तो फाइनली सलमान इज अ फ्री मैन नाउ, और हम ये भी दुआ करते हैं कि सलमान भाई अब फिर से और कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए जिससे कि आपको और आपके फैंस को निराश होना पड़े। कितने खुश हो आप इस न्यूज़ को जानकर, बताएं हमें कमेंट्स के जरिए।